अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर हिमाचल के मुसलमान जत्थों में कार सेवा करने जाएंगे। ये बात मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक केडी हिमाचली ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के 99% मुसलमान समर्थ है। फैसले के बाद सारा झगड़ा समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि देश का हिंदू व मुसलमान अमन व शांति चाहता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने पर हिमाचल के मुसलमान जत्थों में कार सेवा करने जाएंगे। ये बात मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक केडी हिमाचली ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के 99% मुसलमान समर्थ है। फैसले के बाद सारा झगड़ा समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि देश का हिंदू व मुसलमान अमन व शांति चाहता है तथा देश को दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया विजन तथा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों का देश का ये अमन व तरक्की रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां अब बंद हो गई हैं, इसलिए ये लोग हिंदू व मुसलमानों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमान ना तो कोई एनजीओ है और ना ही कोई अन्य। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से गरीब मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल पाया। इन लोगों ने कभी भी मुसलमानों के हित में काम नहीं किया, बल्कि मुसलमानों के नाम पर विदेशी चंदा लेकर ऐश ही की है। उन्होंने कहा कि इकबाल अंसारी ने रिव्यू पिटीशन से अलग होकर अच्छा काम किया है तथा देश के अन्य लोगों को भी उनसे सीख लेनी चाहिए और अब राम मंदिर निर्माण में कोई अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। प्रदेश की जयराम सरकार ने भी मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए देरियों हेतु 25 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिमाचल प्रदेश। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का निर्णय किया है, सबसे पहले तो हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से और देश के तमाम मुसलमानों की तरफ से इसका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। राम मंदिर पर निर्णय आने के बाद कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, जैसे ओवैसी जैसे लोग हैं। तो ओवैसी हमारा ठेकेदार नहीं है, ओवैसी हिंदुस्तान के मुसलमानों का आइकॉन नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले कुछ चंद लोग भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की ठेकेदारी करने की सोच रहे हैं, वो भूल रहे हैं। भारत के मुसलमानों के ठेकेदार कोई एनजीओ नहीं हो सकते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है और वो 1973 में इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। तो एक एनजीओ हिंदुस्तान के मुसलमानों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती। अब मैं तो उनको निवेदन करता हूँ, सलाह देता हूँ कि ये पुरना विचार जाचिका वाचिका छोड़ दें, कुछ नहीं होने वाला। देश के अंदर एकता भाईचारा सौहार्द पैदा करने के लिए चुपचाप जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसको स्वीकार करें, जैसे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया है, 99% मुसलमानों ने किया है। ये चंद लोग हैं जिनकी दुकानदारी बंद हो गई, जिनकी ठेकेदारी बंद हो गई, जिनकी आमदन विदेशों से जो धन आता है इन चीज़ों के नाम से, झगड़ा फसाद के नाम से वो बंद हो गया, तो उनको तकलीफ है। तो हम उनको ये कहेंगे कि ऐसी कोई रिटपटेशन करने की ना सोचें, हिंदुस्तान का मुसलमान उनको कान से पकड़ के बाहर निकाल देगा।